हाय वेरी गुड इवनिंग गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज कमलेश हियर वंस अगेन विद यू गाइस। एंड जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना गॉस, ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। हर आदमी मानसून के सीजन में इसी जगह पर आने की हमेशा कोशिश करता है कि उसको ऐसी कोई जन्नत मिल जाए। एंड मैं बेसी एक जगह पर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा से भी होता है। मैं आपको एक साथ में एक जगह पर चार चार वाटरफॉल गिरते हुए दिखाता हूँ। लुक बिहाइंड मी, हाउ ऑसम इज इट। We have the one waterfall, we have the second waterfall, we have the third waterfall, उसके पीछे में एक और waterfall है और वहाँ साइड में एक और, टोटल पांच waterfall एक साथ में एक जगह पे होते हैं। और ये जो व्यू है ना बॉस, ये बहुत ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा है। मुझे ये जगह का नाम अभी तक पता नहीं है कि मैं जहाँ सोर्स से जा रहा था तो मैं नानीघाट के लिए निकला था एंड मैं किले पे गया था, फिर वहाँ से एक मंदिर था हमारा कोंडेश्वर कुछ तो भी था, वहाँ मंदिर पे गया था। और मंदिर के बाद में फिर मैं वहाँ से आया तो मंदिर के बाद में मैं तो नानीघाट ही जा रहा था, बट रास्ते में मुझे कुछ लोग इस वाटरफॉल पे से रोड पे जाते हुए दिखाई दिए एंड फिर मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मैंने सोचा कि चलो कोई तो स्पॉट होगा एंड आया तो मुझे ये मिला बॉस। मैं वहाँ ऊपर से आया था, रास्ता थोड़ा ख़राब था, उस रास्ते से नीचे उतरा एंड आई फाउंड दिस सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। ये जो जगह है ना बॉस, सुपर से भी ऊपर है। इट्स रियली ऑसम यार कि इतना है। अब पानी की आवाज़ सुनो, पानी की आवाज़ कैसी है। द साउंड ऑफ द वाटर इटसेल्फ इज सो नाइस। और जो धारा है ना बॉस, जो वाटरफॉल है जिसकी भी स्पीड है उसकी, इट्स रियली है यार। और ये वाला आप देखोगे ना, दिस बार नहीं इज अ ह्यूज, एकदम फुल वाटर, फुल पूरा एकदम वाइट दिख रहा है दूध की तरह। दिस वन इज लिटिल बिल येलो, दिस वन इज फुल वाइट एंड इज रियली ऑसम यार। एंड इसके पीछे एक और होता है जो मैं वहाँ से आया था, बट मैं मुझे अभी वहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बट सबसे बड़ी बात तो कि मुझे गीला नहीं होना, इसलिए मैं अभी पानी में नहीं जा रहा हूँ। बट ये जो जगह है ना बॉस, ये सुपर और सुपर से भी ऊपर है। So guys, please enjoy it, like the video, share this video with all of your family and friends. And if you are new to the channel, please subscribe my channel. Total free hota hai guys. आप लोग subscribe कर दोगे तो मुझे थोड़ा motivation मिल जाएगा, आप like कर दोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, आप comments करके मुझसे कुछ पूछोगे या बताओगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। And I really like all of your comments and your like and your subscriptions. And I love you all of you my dear friends. And thank you so much and I am enjoying this waterfall. It's evening almost 7:30 or 7, I'm sorry, it's almost 7 o'clock at the evening at here and I'm alone, no one is here. I'm alone at here, no one is here and I'm enjoying it a very lot. So, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं तो घूमता ही हूँ बट आप लोगों के लिए जो कैप्च करता हूँ, जो करता हूँ ना, I'm doing something extraordinary work and what to say यार, कि please like करो, share करो, comment करो and if you are new to the channel, please सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो ये था हमारा वाटरफॉल जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था यार, मैं जगह का नाम फिर से भूल गया जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ आज, कौन था तो नानूघाट। सो हमारे नानीघाट के ये एकदम पास में है, ये वाटरफॉल बहुत ब्यूटीफुल है। इस स्पॉट का नाम अभी तक मुझे पता नहीं है तो मैं आपको इस स्पॉट का नाम बाद में बताऊँगा। एंड रास्ता तो भाई साहब मत पूछो, आपकी रास्ता ही नहीं है नीचे आने के लिए। ये देखो, ये ऐसी पगडंडी है जिससे हमें नीचे आना पड़ता है एंड फिर बस उसी से हमें ऊपर जाना भी पड़ता है। तो नीचे आते समय थोड़ा रिस्की लग रहा था मुझे क्योंकि स्लिप होने के चांसेस थे, अभी ऊपर जाते समय भी थोड़ा रिस्की लग रहा है, बट फाइन, इतना तो अभी भी कुछ अच्छा चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। एंड इट्स रियली रियली बहुत ऑसम जगह है यार, देख रहे हो आप मेरे पीछे कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये जन्नत है बॉस, किस्मत वालों को देखने को मिलती है। सो आप लोग अगर कभी नानीघाट घूमने आने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस स्पॉट को डिस्कवर कर लो। लोकेशन और जो जगह का नाम वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। एंड वजह पे मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँचा हूँ यहाँ पर, अभी तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सो अभी मैं नानीघाट जाने वाला हूँ और जिस बंदे की इधर मुझे रुकना है उस बंदे से अभी तक मैंने बात भी नहीं की है। इनफैक्ट मतलब उसको जस्ट पहले बताया था कि मैं संडे आता हूँ, बट
आज जा रहा हूँ तो अभी तक बताया नहीं है, तो देखते हैं हमारे सचिन भाई हमारे लिए क्या करते हैं। होपफुली कुछ अच्छा अकोमोडेशन मिल जाए, अच्छे से आराम मिल जाए, तो फिर कल मैं देखता हूँ। हाँ, थक गया बॉस यार। ट्रैकिंग इज़ नॉट ए ईजी टास्क यार, पहली चीज़ तो रिस्क होता है। ऑलराइट गाइस, सो वेल चलो फिर अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताओ हाउ डू यू सी दिस प्लेस, व्हाट डू यू फील अबाउट इट। हाँ, ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। होटल साक्षी किराना स्टोर एंड यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। इसमें आपको ऊपर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, सर का नाम दिया हुआ है एंड इस जगह का जो नाम है उसका नाम है जलधारा धबधबा, जिसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हो और बाकी आप आगे के वीडियो में आपने देखा है। एंड धबधबा इज़ वेरी ऑसम, यहाँ पर आपको जो ब्यूटीफुल जगह मिलती है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑसम है। आप पूरे वीडियो देखोगे, आप यहाँ का धबधबा देखोगे तो दुनिया की सब चीज़ें भूल जाओगे। एक साइड में आपको चार चार पाँच पाँच जगह देखने को मिलती है एंड चार चार पाँच पाँच धबधबे हमें एक साथ में देखने को मिलते हैं। एंड ये आप यहाँ से जब हमारे नानघाट के लिए हम रोड पे जाते हैं तो बीच में आता है एंड बीच में एक घाट होता है, घाट जैसे आप पार करोगे तो आगे आपको मिलता है। ये दुकान का नाम है, दुकान पे ये सर होते हैं, सर का मैं आपको सर से मिलवा देता हूँ। ओके सर, तो आपका नाम बता दीजिए। ओके, और खाने पीने में नो वेज नॉन वेज सब मिलेगा? ओके, रहने खाने रहने पीने की जगह मिलेगी? जगह मिलेगी, ओके। हाँ, कॉल किया तो सब कुछ अरेंजमेंट करवा देंगे, यानी का भी रास्ता हमारे हाथ में रहेगा। हाँ, तो सर के पास साथ में आदमी रहेंगे तो जो भी वो ये दबदबा आपके जगह पे है। ओके, सो सारी जगह जो भी अरेंजमेंट है सर आपको करवा देंगे। आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इनका बैनर में आपको नंबर मिल ही गया है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा गाइस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कमलेश, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लाइकिंग, शेयर एंड कमेंट्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। बाय।